बद्दी पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांजा समेत दो प्रवासी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान मुताज आलम निवासी सिसई जिला छपरा बिहार व नितेश कुमार निवासी सोफियाबाद जिला गोपालगंज बिहार से हुई। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चक्का रोड बद्दी से गिरफ्तार किया। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि आरोपियों के पास से 1.926 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। उन्होंने बताया कि मामले की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नेशन न्यूज़ के लिए हरजिंदर ठाकुर की बद्दी से रिपोर्ट। कल रात को बद्दी थाने को जो है टूरिंग पेट्रोलिंग एक सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति जिनका नाम मुमताज आलम और नितेश कुमार है, जो बिहार के निवासी हैं, वो अपने साथ जो है गांजा लेकर जो है चक्का रोड की तरफ घूम रहे हैं। तो उसी समय जो हमारी टीम है, उन्होंने वहाँ पर जब उन दो व्यक्तियों को पहचान हेतु रोककर उनको जब चेक किया, तो उसमें जो है 1 किलो 926 ग्राम गांजा जो है उन दोनों व्यक्तियों से बरामद हुआ है। इस संदर्भ में जो पुलिस थाना बद्दी में जो FIR NDPS एक्ट के अंतर्गत जो है दर्ज कर दी गई है, और इन दोनों व्यक्तियों को कोर्ट में पेश करके जो है रिमांड लिया जाएगा, ताकि पता चल सके कि ये गांजा कहाँ से लाए थे और आगे किसको बेचना चाहते थे।